गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि सभी को पता है, डिप्लोमा के जो एग्ज़ाम हुए थे आपके फरवरी मार्च में, ओके, जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं डिप्लोमा के, री अपीयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं डिप्लोमा के और सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हुए हैं डिप्लोमा के, तो उन स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स की यूएमसी उस एग्जामिनेशन सेंटर में बनी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग हियरिंग डेट आ गई है। काफ़ी बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता चल रहा कैसे क्या होगा, तो ये वीडियो नहीं बच्चों के लिए, काफ़ी मैसेज आए हैं मेरे पास कि सर एक बार आप बता दीजिए कि कैसे क्या रहता है। तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि कहाँ पे हियरिंग होगी, कौन से प्लेस डिसाइड किए गए हैं पॉलिटेक्निक के लिए, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, चाहे डी फार्मेसी है या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है या प्राइवेट पॉलिटेक्निक है या कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज है, तो जिसका एग्ज़ाम हुआ था अभी, तो उसके लिए आप देख लीजिए। 5 हियरिंग प्लेसेस बनाए गए हैं, 5th हियरिंग प्लेसेस बनाए गए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। फर्स्ट जो आपका रहेगा यमुनानगर में, सेठ जयप्रकाश पॉलिटेक्निक डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। सेकंड रहेगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिसार। थर्ड रहेगा आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोनीपत। फोर्थ है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झज्जर। 5th आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन फरीदाबाद। तो ये 5 सेंटर बनाए गए हैं जिस पे हियरिंग होगी। अब नीचे आपको बताया जाएगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट का, कौन से कॉलेज का या किस डिस्ट्रिक्ट का जो हियरिंग प्लेस कौन सा रहेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। तो वैसे तो 5 बनाए गए हैं टोटल, ये नहीं कि कोई भी बच्चा किसी में भी जा सकता, नहीं, हर बच्चे के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस ऑफ हियरिंग है, एक स्पेसिफिक ही उसके लिए एक सेंटर बनाया गया जिसको उसी सेंटर में जाना है और किसी सेंटर में नहीं जा सकता। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। दूसरी बात आपको इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं टाइमिंग की। टाइमिंग 10 AM सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको बता देते हैं कौन से प्लेस पर कौन से स्टूडेंट से हियरिंग होगी। जो नीचे लिस्ट दी हुई है, जो नीचे लिस्ट दी हुई है उसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर 97, यानी कि सीरियल नंबर 1 और 2 97 इसमें इंक्लूड है। तो 1 से 97 के सीरियल नंबर की जो हियरिंग होगी वो होगी आपकी सेठ जयप्रकाश पॉलिटेक्निक यमुनानगर के अंदर। फिर सीरियल नंबर 98 से 185 की रहेगी हिसार के अंदर। फिर है सीरियल नंबर 186 से 269 इसकी रहेगी सोनीपत के अंदर। फिर 270 से 358 की रहेगी झज्जर पॉलिटेक्निक के अंदर और 359 से 468 की रहेगी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फरीदाबाद के अंदर। तो ये सीरियल नंबर है, तो अपना देख लीजिए कौन से सीरियल नंबर पे आपका नाम है, तो उस सीरियल नंबर को अकॉर्डिंग भी दे सकते हो और फिर आप अपने प्लेस ऑफ हियरिंग को डिसाइड कर सकते हो, चूज कर सकते हो कौन सा रहेगा। दूसरा, नीचे लिस्ट जो दी हुई है उसके सामने भी दिया हुआ है, तो दोनों चीज़ें आपकी क्रॉस वेरीफाई हो जाएंगी। अब डेट की बात करें, जो हियरिंग डेट रहेगी आपकी 1/4/2022 रहेगी, यानी फ्राइडे का दिन है 1 अप्रैल को, तो ये हियरिंग रहेगी 1 अप्रैल को। वैसे अप्रैल फुल भी होता है, ये ना सोचे कि हमारे साथ अप्रैल फुल मनाया जा रहा है बोर्ड के थ्रू, नहीं, तो आपको 1/4/2022 को यानी 1 अप्रैल को आपकी हियरिंग रहेगी। क्लियर, यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मैसेज करके। अब नीचे लिस्ट दे दी गई, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज यूएमसी वाज फ्रेम्ड इन फरवरी मार्च 2022 एग्जाम। तो इसमें देखिए, मैंने आपको एक भी बात बताई थी, बच्चे के नाम के सामने भी पूरी डिटेल मिलेगी, देख लीजिए। जैसे निशांत गोरिया सीरियल नंबर 1, उसका रोल नंबर दिया हुआ है, उसके सामने उसके किस पॉलिटेक्निक के अंदर उसकी हियरिंग होगी उसका भी नाम दिया हुआ है और कब होगी, टाइमिंग भी और डेट भी है, सारी चीज़ें उसके सामने दी हुई है, तो इसमें सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो जो बच्चों ने एग्जाम दिए थे वो अपना नाम इसमें ध्यान से देखें। 23 पेजेस की ये PDF है, ये बोर्ड की वेबसाइट पर भी डाली हुई है, वहाँ से भी दे सकते हो। कोई फिर भी इशू आपको समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो, बट आपको पता होगा कि आपकी UMC किस कारण से बनी हुई थी, तो उस इशू को आपको अपने प्लेस ऑफ हियरिंग के सामने, जो भी आपके सामने ऑब्जर्वर होगा उनके सामने आपको अपनी बात रखनी है। यदि वो सेटिस्फाई होते हैं तो आपकी UMC टूट जाएगी। UMC टूटने का मतलब यह है कि आपका पेपर चेक होगा, पेपर चेक होने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। यदि आपकी UMC नहीं टूटती है, यदि वो लिख देते हैं नो UMC यही रहेगी आपकी सेम एज इट इज़ UMC रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि UMC आने का मतलब उस पेपर में आपके री आ जाएगी। दूसरी है एक डिसीजन, यदि ज़्यादा UMC जो पेपर में बनी हुई है, ज़्यादा कुछ ऐसा टेक्निकल डिवाइस यूज किया हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें उनको लगती है कि नहीं इसने हर पेपर में यूज किया हुआ, तो पुराने पेपर सभी पेपर कैंसिल भी कर सकता है बोर्ड। ये पूरे सिस्टम है, ये नहीं कि एक ही पेपर आपका कैंसिल होगा, सारे पेपर भी आपके कैंसिल हो सकते हैं।
आप सोच समझ कर ही ऑब्जर्वर के सामने जाएं और अपना पक्ष सामने रखें। उसके बाद यदि ये हियरिंग होने के बाद फिर रिजल्ट आएगा इस यूएमसी का, यूएमसी का रिजल्ट आने के बाद यदि आपको लगता है नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो आपको फिर एक मौका दिया जाएगा, पंचकुला जाके आप अपनी बात रख सकते हो। उसकी एक फ़ीस लगती है, वो फीस डिपॉजिट करके, फीस डिपॉजिट होने के बाद आपको फिर वहाँ पंचकुला जाके वो चीज़ आप कर सकते हो। क्लियर? तो ये बातें आपकी रहेंगी। फिर कोई इशू है आपका इससे रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये मैंने लिस्ट कर दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। किसी बच्चे को लगता है नहीं पता चल रहा है, कुछ बच्चों के नाम नहीं दिए हुए हैं, रोल नंबर दिए हुए हैं तो आप रोल नंबर से आप देख सकते हो। तो ये बाय मिस्टेक रह गए होंगे, तो रोल नंबर डाले हुए हैं तो आप देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो ये आपकी लिस्ट है, जितने भी कैंडिडेट है वो वहाँ पर जाइए, जिसका जो नाम है वो अपना नाम देखिए और उस टाइम और डेट क्या वो नहीं प्लेस ऑफ हियरिंग पर पूछिए और अपना पक्ष रखिए। क्लियर? इसके बाद आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा सभी बच्चों का। तो ये आपकी जो लिस्ट है मैंने आपको शो कर दिया। क्लियर? कोई इशू है आप पूछ सकते हो, फ़ोन करके पता कर सकते हो। क्लियर? तो ये बातें हैं। तो ये यूएमसी की लिस्ट थी। फिर भी कोई इशू है आपको, कोई भी बात पूछना चाहते हो तो आप मैसेज कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखें। फिर भी कोई इशू रहता है तो आप किसी भी बात के लिए, आप कोई भी इशू है आपके माइंड में तो आप पूछना चाहते हो तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।